दो सालों के अंतराल के बाद सर्व कल्याणकारी संस्था इस साल अपना वार्षिक सम्मेलन धूमधाम के साथ आयोजित करेगी, जिसके स्थान का चयन संस्था के कोर ग्रुप के मेंबरों के साथ चर्चा के बाद निर्धारित किया जाएगा। सुजानपुर में संस्था के युवा विंग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि संस्था इसी माह से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला मंडलों को सम्मानित करने जा रही है। आपको बता दें कि सर्व कल्याणकारी संस्था पिछले 20 सालों से समाज सेवा से जुड़ी है और हर साल संस्था वार्षिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को विभूतियों को सम्मानित हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती आ रही है। संस्था ने सुजानपुर सहित अन्य क्षेत्रों के महिला मंडलों को दरी, गैस भट्टी, कुर्सियां आदि सामान देने के अलावा गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करने का काम करती आ रही है। संस्था ने कोविड महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य मदद भी मुहैया करवाई। संस्था के युवा विंग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि पहले चुनाव और कोरोना के कारण संस्था गत 2 सालों से वार्षिक सम्मेलन आयोजित नहीं कर पा रही है, लेकिन संस्था ने इस साल के अंतिम माह में वार्षिक सम्मेलन प्रदेश में करने का निर्णय लिया, जिसके स्थान का चयन कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्था इसी माह हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला मंडलों को सम्मानित करेगी, जिसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, संस्था लगातार कई वर्षों से, अब लगभग 20 वर्ष होने जा रहे हैं, और 20 वर्षों से ज्यादा लोगों के जनहित के कार्य में लगी रही। कोविड के दौरान भी प्रयास रहा संस्था के माध्यम से जितने ज़्यादा लोगों का काम हो सके, राहत पहुंचाने का कार्य हो सके वो किया। पिछले वर्ष कोविड की वजह से और उससे पिछले वर्ष जो चुनाव चल रहे थे उसकी वजह से जो है संस्था का वार्षिक समारोह जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन इस साल साल के अंत में हर बार नवंबर के आसपास संस्था का वार्षिक समारोह होता है। बड़ी धूमधाम से प्रदेश में जितने भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं और प्रदेश के बाहर भी अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं, वो इस बार हम लोग मिलकर सभी लोग वार्षिक समारोह मनाएंगे। और आने वाले समय में, इसी महीने में मैं कहूँगा, बल्कि फरवरी में, महिला मंडलों को और अन्य जो हमारे लोग हैं उनको सम्मानित करने का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। क्या इस बार सुजानपुर से बाहर भी सम्मेलन की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पहले भी सुजानपुर से बाहर भी कई सम्मेलन हुए हैं संस्था के, और बल्कि हिमाचल प्रदेश से बाहर भी सम्मेलन हुए हैं, चाहे पंजाब हो चाहे चंडीगढ़ हो। जहाँ जहाँ जैसे जैसे रूपरेखा बनाई जाती है संस्था के, जो हमारा कोर ग्रुप है, उसके बाद ही हम लोग तय करते हैं कि वार्षिक समारोह कहाँ रखा जाएगा। मैं अभी इतना ही आपको बता सकता हूँ कि वार्षिक समारोह इस साल ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन उसकी जगह, उसका समय, ये जब भी हमारी संस्था की जो मीटिंग होगी, हमारे सभी सदस्य जो उसमें भाग लेंगे, सबकी सहमति के बाद ये तय किया जाएगा कि कार्यक्रम कहाँ रखा जाए। और रही बात सम्मानित करने की और आगे के कार्यक्रम बनाने की, वो इसी महीने से, इस बार हमीरपुर से हम लोग शुरुआत करेंगे महिला मंडलों को लेकर। और जितने भी हमारे महिला मंडल हैं, हम कोशिश करेंगे सबको शॉर्टलिस्ट करके जल्द से जल्द, और उनको सम्मानित करने का जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जल्दी इस महीने शुरू होगी।